सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की, जो इस समय 14 तारीख को पड़ेगी। 14 तारीख को जो एकादशी पड़ने वाली है उसे हम पाप उनसा एकादशी कहते हैं, और इस एकादशी का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापुसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत करने वाला अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। अश्विनी कृष्ण अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मोर्त में उठे, स्नान करे, स्नान के बाद में संकल्प ले कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा। इस एकादशी की बहुत सुंदर एक कथा है, बहुत प्यारी कथा है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का एक भील रहता था, शिकारी रहता था, और शिकारी रहता था तो जीवन भर पहाड़ों पर रहता था। शिकार करना उसका कार्य था, जीवों की हत्या करना उसका कार्य था, उसी कार्य को वो करता रहता था, जिसके कारण जीवन पर्यंत उसने सिवाय पाप के कोई और कार्य नहीं किया था। उसके बाद एक दिन अचानक से उसे लगा जैसे यमदूत आए हैं और वो कह रहे हैं कि कल तेरी मृत्यु है, तूने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, अब हम तुझे ले जाएंगे अपने साथ में, फिर तेरा क्या होगा, तुझे तेरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और जब उस बहेलिया को ये पता चला तो वो बहेलिया डर गया, भयभीत हो गया, कांप गया। उसी पर्वत पर अंगिरा ऋषि रहते थे, दौड़ कर गया, उनके चरणों में गिर गया और कहा, जीवन पर्यंत मैंने बहुत पाप किया है, इतना पाप किया है कि उससे मेरी मुक्ति नहीं होगी, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने पाप से मुक्ति चाहते हो तो तुमको जो है पाप पुंसा एकादशी का व्रत करना चाहिए, और अगर तुम निष्ठा से इस व्रत को करोगे तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करने की क्षमता इस एकादशी के व्रत में है। ऋषि के कहने से उसने वो व्रत किया, और व्रत करने पर जब वो दिन निकल गया और यमराज के दूत आए तो उसकी सदगति हुई देखकर, उसका कल्याण हुआ देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा ये कैसे संभव है, पर जान गए कि इसने पापुंसा एकादशी का व्रत किया है। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, 14 अक्टूबर को पापुंसा एकादशी का व्रत आप करेंगे। दूसरा, उसका जो परायण का समय है, वो परायण का समय हम आपको बता दें, एक मिनट हो, हाँ, परायण का समय 15 तारीख को है और वो सूर्य उदय के पश्चात सूर्योदय प्रातः 6:16 पर होगा। तो 6:18 से 8:55 तक आप जो है परायण कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ब्रह्ममुहूर्त में उठें, फिर स्नान करें, संकल्प करें, फिर सत्य बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज्यादा ज्यादा पूजन अपने इष्ट चाहे भगवान श्री कृष्ण का, राम का, नारायण का करें, और उसका जितना भी हो सके ज्यादा ज्यादा माला करें, और अपने पापों के नाश की प्रार्थना परमात्मा से करें। आप सबके लिए एकादशी का व्रत शुभ हो, प्रार्थना करता हूं। राधे राधे।